हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी 4 इजी होम रेमेडी टिप्स, जिससे कि आप अपनी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स को घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ, ताकि मेरी कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता चले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है केला। 2 केले के छिलके लें और उसे उसका अच्छे से पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगा के 1 घंटे बाद वॉश कर दें। आपके स्किन पे ग्लो और नमी आ जाएगी। जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है हनी या शहद। रुखी त्वचा के लिए शहद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर मौसम के बदलने के कारण आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो शहद लगाने से चेहरे में नमी आएगी। इसे 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें, उसके बाद पानी से वॉश कर लें। आपकी ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी और चेहरे पर ग्लो आएगा। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है दही। ड्राई स्किन को मॉइस्चर देने के लिए दही एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड रूखापन या जलन पैदा करने वाले जीवाणुओं को दूर करता है। ताज़ा दही धीरे धीरे अपने चेहरे पर मालिश करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद फेस वॉश कर लें। आपके स्किन पर ग्लो और नमी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है उड़द दाल। 1 छोटे चम्मच दही में 1 चम्मच उड़द दाल का पाउडर मिला लें और इसका एक लेप जैसा, मतलब पैक जैसा तैयार कर लें और इसको फेस पे लगाएं और जब ये सूख जाए तो इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लें। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जल्द मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।